फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लौकी का हलवा बनाने चल रहे हैं। तो ये लौकी हमारी बहुत ही मुलायम है, इसको हम काट लिए हैं, तो छीलने चल रहे हैं। ये लौकी हम छील लिए थे, तो अब इसको कद्दूकस कर रहे हैं। इस तरीके से हम कद्दूकस कर ले रहे हैं। ये लौकी हम घिस लिए हैं, अब इसको बनाने चल रहे हैं। इसको हल्का सा धुल लेते हैं पहले हम। ये लौकी हम धुल के रख दिए थे, इसमें से पानी निकल गया। अब इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं। एक चम्मच हम देसी घी डाल रहे हैं इसमें। लहसुन छना दिया 15 मिनट। ये हम इसको डाल दे रहे हैं लौकी के इसमें, जिसको धीमी आंच में हम भेजेंगे। हम धीमी आंच में इसको भूंज रहे हैं। थोड़ी सी हमारी लौकी पक जाए तब हम इसको बनाएंगे। इसको धीमे धीमे हम पका रहे हैं अभी। ये लौकी हमारी हल्का हल्का पक गई है, इसमें हम दूध डालेंगे। ये लौकी हमारी पक गई है, गल गई इसमें, अब हम इसमें दूध डालने चल रहे हैं। ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, इसको दूध डाल के हम सूखा करेंगे अभी। दूध हम इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे और ये सूख जाए। दूध डाले थे इसमें, तो ये हमारा दूध सूख गया है, थोड़ा सा ही रह गया है गीला। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। एक कटोरी हम लगभग इसमें चीनी मिला दे रहे हैं, जिसको अच्छी तरीके से पकाएंगे हम, एकदम सूखा कर लेंगे हलवा जैसे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं, बारीक कुटी हुई इलायची है हमारा। ये हम बादाम लिए हैं, इसको मिला रहे हैं। ये मिठाई वाला कलर है, हरा कलर है, ये मार्केट के में मिल जाता है आसानी से। बहुत हल्का सा हम डाल रहे हैं इसको, इसको हम मिला दे रहे हैं। ये हमारा हलवा बन के रेडी है, तो इसको हम खाने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट में बन के रेडी है इस तरह से। ये कितना ही टेस्टी, हाँ दोस्तों देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है। इस तरफ से आप लोग भी बनाइएगा, और मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।